इमेजिन आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े और पीपल अराउंड यू आर आस्किंग कि सॉइल का वाटर कंटेंट कितना होगा, या फिर सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, या फिर इस सॉइल को कितना एक्सकेवेट किया जाना चाहिए टू फिल दिस इम्पैक्ट. एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. एंड इफ यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. हाय एवरीवन, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल दीपाली. अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर, स्टेट एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज और इवन योर सेमेस्टर एग्जाम, देन दिस चैनल इज फॉर यू ऑल. एंड इन टुडेस सेशन वी विल गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिटेल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे टिल द एडवांस एंड यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द गेट PYQs एंड यू विल सी द डेरिवेशंस ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन द सेशन इटसेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अपन बात करते हैं फेज डायग्राम क्या होता है. सो लेट्स इमेजिन एक सॉइल है. तो सॉइल के अंदर ना केवल सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और एयर पॉकेट्स भी होते हैं, राइट. और इसी को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए वेयर वी कैन सेपरेटली यू नो राइट द वॉल्यूम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट एंड द वेट ऑफ एवरी इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट. ऐसे डायग्राम को कहते हैं फेज डायग्राम. सो हाउ नाउ यू कैन ईजिली सी हेयर दैट वी हैव यूज दिस फेज डायग्राम, है ना. नीचे ही नीचे हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. तो WS इज द वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स एंड VS इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. वाटर यानी कि सॉइल के अंदर कितना पानी है, मॉइस्चर है, तो वो वाटर कंटेंट है, जिसे हम WW वेट ऑफ द वाटर से डिनोट करेंगे एंड BW विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. एंड सिमिलरली एयर है. तो जनरली हम वेट ऑफ एयर को क्या एज्यूम करने वाले हैं, जीरो ही एज्यूम करने वाले हैं, राइट. तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सॉइल एंड दिस इज नोन एज अ फेज डायग्राम. वेरी वेरी सिंपल, राइट. अब ये फेज डायग्राम को ना डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है. लेट्स से अगर मेरी सॉइल जो है वो एक ड्राई सॉइल है. ड्राई सॉइल का मतलब क्या है, जिसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं है, पानी नहीं है. अब ऐसे में वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा और सिर्फ एयर पॉकेट्स और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे सॉइल के अंदर. तो ये कैसा फेज डायग्राम बन गया है, टू फेज डायग्राम, बिकॉज ओनली टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल्स आर प्रेजेंट, राइट. सिमिलरली अगर मैं एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात करूँ, फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होता है कि एयर वॉइड्स नहीं है, नो एयर वॉइड्स. ऑल द वॉइड्स सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर जितने भी गैप है उसके अंदर क्या है, ओनली वाटर इज प्रेजेंट. तो ऐसे में उसे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं. अगैन इट विल बी ए टू फेज डायग्राम, राइट. एंड सी इन दोनों कंडीशंस के बीच में आती है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, यानी कि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, वाटर भी है और क्या है, एयर भी है. इसीलिए दिस इज अ थ्री फेज डायग्राम. इट विल शो द थ्री फेज डायग्राम दैट इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, राइट. अब अपन बात करते हैं नंबर वन प्रॉपर्टी के साथ, इसकी शुरू करते हैं, दैट इज़ अ वाटर कंटेंट, जिसे हम मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं. वेरी वेरी सिंपल, इसे हम डिनोट करते हैं W से एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल. इंपॉर्टेंट है, टोटल सॉइल का वेट नहीं ले रहे हैं हम, ले रहे हैं सिर्फ सॉलिड्स ऑफ द सॉइल का, ओके. और इसे अगर या तो डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है. तो दैट इज़ अ वाटर कंटेंट ऑफ द ऑलराइट. तो अब अपन इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के वाटर को हमने क्लासिफाई किया है प्रेजेंट इन द सॉइल, ओके. सो नंबर वन इज़ अ ग्रेविटी वाटर. वेरी वेरी सिंपल, ग्रेविटी वाटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्री वाटर. देखो अगर सॉइल के अंदर हमने अगर रेन के थ्रू या फ्लडिंग के थ्रू अगर पानी अगर उसके अंदर स्टोर होता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेविटी वाटर, ठीक है. जिस तरीके से ये इजीली सॉइल के अंदर गया वो इजीली फ्लड आउट भी हो सकता है, राइट. तो वन इज अ ग्रेविटी वाटर, सेकंड इज अ कैपिलरी वाटर. सी जैसे ये वाटर सॉलिड पार्टिकल्स है, राइट, और यहाँ पर हमारा वाटर टेबल है और वाटर टेबल के थ्रू पानी जो है ऊपर सीप हो रहा है, राइट. तो मूविंग थ्रू द कैपिलरी एक्शन, थ्रू द कैपिलरी एक्शन द वाटर इज मूविंग अपवर्ड्स, दैट इज नोन एज अ कैपिलरी वाटर. थर्ड इज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी कि सॉइल के आसपास के एटमॉस्फेयर मॉइस्चर की वजह से
जो सॉइल गेन करती है वाटर, दैट इज कंसिडर्ड एज एन हाइग्रोस्कोपिक वाटर. एंड फाइनली दिस इज अ स्ट्रक्चरल वाटर. स्ट्रक्चरल वाटर मीन्स एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सॉइल के बीच में वाटर बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल वाटर. अब ये तो चार टाइप के पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं पानी के प्रेजेंट इन द सॉइल. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि हम जब वाटर कंटेंट के कैलकुलेशन करते हैं, W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द वाटर एंड वेट ऑफ द सॉलिड, तो ये जो वेट ऑफ द वाटर है इसके अंदर सारे ही फॉर्म्स ऑफ वाटर इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर वाटर. हम स्ट्रक्चर वाटर को वाटर कंटेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं. इसीलिए जब हम एक मेथड पढ़ेंगे, यू नो, इन द अपकमिंग सेशंस आई विल टेल यू कि वाटर कंटेंट एक सॉइल का कैसे निकालते हैं. तो वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड इज द अवन ड्राइंग मेथड, जिसमें बेसिकली हमें सॉइल को लेना होता है और उसे ना हीट करना पड़ता है इन द अवन, राइट, ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर है वो हट जाए. तो पहले का वेट माइनस बाद का वेट, दैट विल बी कंटेनिंग द वाटर कंटेंट, वो बताएगा कि कितना पानी उसके अंदर था, ठीक है. तो ये अवन ड्राइंग मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेंटेन रहना चाहिए अप टू लाइक 105 to 110 डिग्री सेल्सियस फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, ताकि ये स्ट्रक्चर वाटर इवेपोरेट ना हो और हमारी कैलकुलेशन के इंक्लूड ना हो, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द स्ट्रक्चर वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन. बहुत ही सिंपल है एवरी वन, लुक इट हियर. डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ये बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ पानी है अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है. लुक इट हियर, लेट्स से दिस इज अ फेज डायग्राम, राइट, थ्री फेज डायग्राम है जिसके अंदर सॉलिड है और वाटर भी है और एयर भी है, राइट. तो अदर देन द सॉलिड पार्टिकल्स, जो जितना भी बचा हुआ वॉल्यूम है वो होगा वॉइड्स का वॉल्यूम, है ना, जिसके अंदर बोथ वाटर भी हो सकता है या फिर एयर भी हो सकती है. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वॉइड, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें से कितना पार्ट जो है वो वाटर का है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिग्री ऑफ सेचुरेशन. अगेन इसे डेसिमल में भी डिनोट किया जा सकता है या फिर इसे हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज कैलकुलेटेड, राइट. अगेन इम्पॉर्टेंट नोट कीजिएगा एवरीवन कि हमने ना थोड़ी सी देर पहले तीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉइल देखे थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉइल देखे थे, ड्राई सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल एंड फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, राइट. तो ड्राई सॉइल में हमने क्या कहा था, जब ड्राई सॉइल का मीनिंग क्या है, लेट्स से हियर दिस इज अ फेज डायग्राम अगेन. यहाँ पर ये मेरा सॉलिड है ऑफ द सॉइल और पूरा वॉइड में सिर्फ एयर है एंड देयर इज नो वाटर. तो जब टोटल वॉइड्स के अंदर वाटर ही नहीं है, है ना, सो दिस इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ज़ीरो, सो हैंस द डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी अगेन ज़ीरो. वेरी वेरी सिंपल. अगर मैं बात करूँ फुल्ली सैचुरेटेड की, राइट, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड, ओके, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड दैट मीन्स अगेन लुक इट दिस, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए टू फेज डायग्राम ओनली. यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और अब बचा हुआ जितना भी वॉइड है उसके अंदर वाटर ही है, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इक्वल है. इसीलिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए 100%, और इफ यू आर कैलकुलेटिंग इन डेसिमल फॉर्म इट विल बी कंसिडर्ड एज ए 1, राइट. द थर्ड वन इज ए पार्शियली सेचुरेटेड, जो कि इन दोनों सिचुएशन के बीच में होता है, राइट, किसके अंदर एयर भी है और वाटर भी है. तो ऐसे में इनका जो वैल्यू होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का विल बी 0 to 100%. आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू एवरी वन. थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज ए एयर कंटेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं ए सी, एयर कंटेंट, राइट. अच्छा, अब जिस तरीके से हमने क्या कहा था कि हमने मेजर किया कि टोटल वॉइड की वॉल्यूम में वाटर कंटेंट कितना था, वैसे ही एयर कंटेंट में हमें निकालना है कि टोटल वॉइड्स का वॉल्यूम में एयर का कितना वॉल्यूम है, राइट. सो अगेन दिस इज अ फेज डायग्राम. यहाँ पर सॉलिड्स हैं और यहाँ पर मेरा लेट्स से वाटर है एंड हियर इट्स एयर, राइट. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज वी and here is the VA, that is volume of air, and AC is actually volume of air upon volume of voids. अगेन इसे हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ठीक है. चलो, अब एक आप लोग गेस कर ही चुके होंगे कि इनमें एक रिलेशन है डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट. इसको समझते हैं, बहुत बहुत सिंपल है. देखो,
डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस को हमने किससे डिनोट किया था? हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट? और एयर कंटेंट को हमने क्या कहा था? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए ना ये सारा कैलकुलेशन करेंगे. सो अगेन हेयर इज ए सॉलिड पार्टिकल्स, हेयर इज वॉटर एंड हेयर इज एन एयर, राइट? हेयर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड हेयर इज अ कम्प्लीट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. तो एक चीज़ फ्रॉम द फेज डायग्राम यू कैन से दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, नो डाउट, इतना तो बिल्कुल सिंपल है. अब अगर मैंने इसी को ही डिवाइड कर दिया है ना, इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मैं इधर लेके जाती हूँ इन टू द आर एच एस साइड, तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अगेन अभी थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ा एस को हम किससे डिनोट करते हैं? वी डब्ल्यू बाई वी वी. और ए सी को हम किससे डिनोट करते हैं? वी ए बाई वी वी. तो यू कैन ईजिली सी दैट एस प्लस ए सी इज इक्वल टू वन वेन दे आर इन अ डेसिमल फॉर्म, बट ऑब्वियस, राइट? तो यानी कि हमने देखा कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है और एयर कंटेंट है, उन दोनों का ही समेशन जो है हमेशा वन आएगा. यानी कि दोनों ही जो क्या है, अगर ये 40% है ये 60% होगा, ये 80% है ये 20% होगा, एंड वाइस वर्सा. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर टू यू. ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. अगेन इसका डेरिवेशन भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकता है, राइट? तो हियर वी गो into the property number 4, which is an voids ratio. Voids ratio क्या होता है? बहुत simple होता है. देखो ज़रा इसे denote किससे करते हैं? सबसे पहले हम इसे denote करते हैं E से, ठीक है? और ये जो E है ये क्या बताता है? कि ये बताता है कि total जो void का volume है, अब इसको किससे compare कर रहे हैं हम? Total solid of the soil किससे compare कर रहे हैं, ठीक है? तो it is actually volume of voids upon volume of soil. देखो phase diagram में कैसा दिखेगा? जैसे ये मेरा सॉलिड है ऑफ द सॉइल, कि कुछ वाटर भी है और एयर भी है, राइट? टोटल वी वी ये है हमारा, और ये क्या है? मेरा वी एस है. अब मुझे कंपेयर किससे करना है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, ऑफ द सॉइल से कंपेयर करना. एक चीज़ देखेंगे ज़रा, है ना? अच्छा, इसी को भी परसेंटेज में भी कर सकते हैं. अच्छा, अंदर एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे. अब हमने क्या कहा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है. मतलब इनमें से कोई भी वॉल्यूम क्वांटिटी जो है वो बड़ी हो सकती है और छोटी हो सकती है. इसीलिए ई का भी कोई वैल्यू नहीं है ना. इट कैन बी, है ना, ई क्या लिख सकते हैं अपन? ई कैन बी ग्रेटर दैन 100%. ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ना कहीं बार हमारी assertion reasons में आ सकते हैं या स्टेटमेंट वाले questions में आ सकते हैं कि क्या E हमारा 100 से ज़्यादा हो सकता है. येस ऑफकोर्स हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ये बड़ी हो गई अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो हो सकता है, और कम है तो हो सकता है कि वो 100 से कम हो. ठीक है, तो आई होप दिस सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू मार्क इट एज अ वेरी हाईलाइट इन योर नोट्स कॉपी एज वेल, कि ये जो वॉइड रेशियो है ना, ये एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल का, फाइन ग्रेन्ड सॉइल मीन्स इट कैन बी अ सिल्ट और क्ले, राइट? क्ले और सिल्ट क्या होंगे? हमारी फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर कैटेगरीज में आएंगे. और कोर्स ग्रेन आते हैं जैसे कि हमारा ग्रेवल, राइट, एंड सैंड. तो देखो बहुत सिंपल है, पहले थोड़ा समझेंगे ना. ई यानी कि वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल. कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कंपेयर कर रहे हैं. और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है? जैसे ये पार्टिकल्स हैं हमारे, इनके बीच का, जैसे ये मैंने कोर्स ग्रेन बनाया ना, इनके बीच का जो ये गैप दिख रहा है आपको, दैट इज़ ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड. और ये मैंने कहा ये मेरे फाइन ग्रेन सॉइल है, दिख रहा है अभी आपको, ठीक है? तो इट्स ए कोर्स ग्रेन सॉइल एंड इट्स अ फाइन ग्रेन सॉइल, राइट? नाउ सी वेरी केयरफुली. हमें ना ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ना, जब हम बिगनिंग में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि यार ये गैप जो कोर्स ग्रेन में दिख रहा है वो तो कई गुना ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर फाइन ग्रेन में तो कम दिख रहा है. तो हमें ये पता है कि जो इंडिविजुअल वाइट स्पेस है वो शायद ज़्यादा है कोर्स ग्रेन के अंदर, लेकिन जो टोटल वॉइड्स है ना, क्योंकि देखिए फाइन ग्रेन के अंदर टोटल सरफेस एरिया भी कैसा है? ज़्यादा है. यानी कि टोटल वॉइड प्रेजेंट इन द फाइन ग्रेन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन द कोर्स ग्रेन. इसीलिए ई ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल
is always greater than E of the coarse grain soil. ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगा? ये या तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अभी हम आने वाले सेशंस में जब हम परमीबिलिटी भी पढ़ेंगे, राइट, तो ये अगेन कॉन्सेप्ट काम आएगा कि परमीबिलिटी कैसे डिपेंड करती है. तो हम देखेंगे कि वॉइड रेशियो पर करती है, और वॉइड रेशियो किसका ज़्यादा है? फाइन ग्रेन का ज़्यादा है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, तो मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज़ अ पोरोसिटी. पोरोसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, और ये है लगभग बिल्कुल सिमिलर है वॉइड रेशियो के, लेकिन थोड़ा सा चेंज है. अब हम ना वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वी टोटल, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कंपेयर करते हैं तो वो कहलाएगा मेरा पोरोसिटी. ओके, अब आप देखोगे कि ये जो पोरोसिटी है वॉइड रेशियो, दोनों का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है? वॉइड रेशियो के वॉल्यूम को कंपेयर करना. ठीक है, बट हम ज़्यादा जो अडेप्ट करते हैं ना, मोर वाइडली अडेप्टेड कौन सा है? वॉइड रेशियो है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब ऐसा क्यों होता है, ये आपके शायद इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि वाई वी अडेप्ट मोर वॉइड रेशियो. अभी आप जितने भी फॉर्मूलाज देखेंगे ना, उन सब में हमने वॉइड रेशियो को रखा है, ना कि पोरोसिटी को रखा है. ऐसा क्यों होता है, इसको देखो ज़रा. क्योंकि सी, ये जो जब हमने ई पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ना इट विल नॉट चेंज. क्या कहा मैंने, ये चेंज नहीं होगा जितना भी कंडीशंस चेंज हो, है ना. इधर इट्स अ ड्राई सॉइल, इट्स अ ओवर सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में भी वी एस जो है वो सेम रहेगा. इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अडेप्टेड है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो लेट्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी. सो लेट्स सी द डेरिवेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दैट ई इज द वॉइड रेशियो, विच इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड एन इज द पोरोसिटी, राइट, जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वी टोटल होगा, राइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, है ना. एंड ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ दिस फेस डायग्राम, है ना. ये फेस डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि कितना किसका वॉल्यूम है. सो हियर आर द सॉलिड्स एंड हियर आर द वॉइड्स, राइट. तो ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और ये कंप्लीट क्या है, वी टोटल. ठीक है, तो वेरी बेसिक थिंग, फर्स्ट वी कैन राइट डाउन दैट वी टोटल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट. अब अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से. तो लेट्स से वी टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी वी प्लस वन, राइट. हमने पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दिया है. तो अब बहुत सिंपल है, क्या ये वन अपॉन एन दिखाई दे रहा है आपको? यस. और ये दिखाई दे रहा है वन अपॉन ई प्लस वन. तो सिंपली जो हमारा रिजल्ट आता है वो ये है कि दैट एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस ई, एंड ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वन माइनस एन. तो ये दोनों रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, सो द नंबर 6 प्रॉपर्टी इज द परसेंटेज एयर वॉइड, जिसे हम डिनोट करते हैं ईटा ए से. ठीक है, सो दिस इज एन ईटा ए विच इज कंसिडर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, जो कि बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. तो ये टोटल नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ एयर ऊपर. ठीक है, अच्छा, अब इसका जो वैल्यू होता है ना ईटा ए, उसको हम ना एन इंटू ए सी भी कर सकते हैं, यानी कि पोरोसिटी इंटू द एयर कंटेंट. कैसे आया ये, लेट्स डू अ वेरी सिंपल डेरिवेशन. सो लुक इट हियर दिस डेरिवेशन. सबसे पहले देखो ईटा ए, इसको हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वी टोटल, राइट. अच्छा, इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, ठीक है, सो देर विल बी नो डिफरेंस, बट उससे डेरिवेशन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा. इसे देखो, हम इसे क्या डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वी टोटल, राइट. और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है ए सी, एयर कंटेंट, राइट, इंटू एन पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट. इसीलिए ईटा ए यानी कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इज इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, चलिए फाइनली द प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी कम्स इज द यूनिट वेट, राइट. इसे भी एक बार समझ लेंगे कि यूनिट वेट एक्चुअली होता क्या है. यूनिट वेट जिसे हम डिनोट करते हैं गामा से, राइट, ये होता है टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल.
ठीक है भाई, जो भी सॉइल है हमारी है ना, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में है तो डिफरेंट डिफरेंट उनके यूनिट वेट होंगे. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट्स से इट्स अ ड्राई सॉइल, राइट? तो अगर ये ड्राई सॉइल है तो जब जो यूनिट वेट होगा वो होगा गामा ड्राई, राइट? और ऐसे केस में टोटल वेट ऑफ द सॉइल विल बी जस्ट द सॉलिड का वेट, क्योंकि एयर का कोई वेट होता नहीं है और वाटर इसके अंदर है नहीं, तो टोटल वेट विल बी द वेट अबाउट सॉलिड अपॉन वी टोटल, ठीक है? एंड दिस इज द गामा ड्राई. और लेट्स से वी हैव द सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है? सो इन दैट सेचुरेटेड सॉइल द गामा विल बी इक्वल्स टू गामा सेट, जिसे हम लिखते हैं गामा सेट, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट अपॉन वी टोटल. ऑल राइट, सो दिस इज द सेचुरेटेड सॉइल मास का यूनिट वेट, है ना? उसी तरीके से एक बल्क बल्क यूनिट वेट भी होता है. बल्क यूनिट वेट का मतलब होता है गामा बल्क, राइट? इसका मतलब क्या होता है समझो, इसका मतलब ये है कि जो भी कंडीशन गिवन है, चाहे वो ड्राई है, सेचुरेटेड है या पार्शियली सेचुरेटेड है, कोई सी भी कंडीशन है, उसके बेसिस पर उसका यूनिट वेट निकालना, जैसे हम डिनोट करते हैं गामा बल्क. स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को ना दो टाइप पे कैटेगराइज कर रखा है. वन इज अ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम एक्चुअली डिनोट करते हैं जीएस, है ना? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन होगा तो दैट विल बी द ट्रू स्पेसिफिक. और दूसरा होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे ना हम एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है? तो जिसे हम जी एम से डिनोट करते हैं. क्या डिफरेंस है इससे समझेंगे, ठीक है? ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस, ये जी एस होती है एक्चुअली गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, है ना? ये गामा एस क्या है ध्यान से समझेंगे, ये होता है द बल्क यूनिट, गामा एस होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि जो वॉल्यूम और वेट ऑफ द सॉलिड्स है प्रेजेंट इन द सॉइल अपॉन वॉल्यूम भी किसका, सिर्फ सॉलिड्स का ही हमें लेना है. तो ये होता है मेरा गामा एस. और जी एस जो है, जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो है हमारा गामा एस बाय गामा डब्ल्यू. जबकि अगर एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात करूँ, विच इज़ द जी एम, जो कि होती है मेरी गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू, ओके? तो गामा बल्क के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ द सॉइल, है ना? जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है सॉइल की, पार्शियली सेचुरेटेड है या फुली सेचुरेटेड है या ड्राई सेचुरेटेड, वट एवर द सिचुएशन, उसके बेसिस पे उसका वेट और उसका वॉल्यूम भी क्या है, टोटल हम लेंगे, ना केवल सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेंगे, हम टोटल वॉल्यूम उसका लेंगे, ठीक है? तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी की कहानी, राइट? बट जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, विद एस, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, राइट? एस क्या है हमारा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, राइट? ई क्या है हमारा, वॉइड रेशियो, डब्ल्यू है मेरा वाटर कंटेंट, और जी जो है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगेन ये जो नॉर्मली जब जी लिखा जाता है या जी एस लिखा जाता है, दैट इज अ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट? ऑल राइट, सो लेट सी दिस डेरिवेशन, दैट इज एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी. इसका डेरिवेशन कैसे होगा इसे देखते हैं, है ना? तो सबसे पहले एल एच एस साइड को अपन देखते हैं ना. तो इसमें क्या है, एल एच एस में एस इंटू ई है, ठीक है? हमें पता है एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो कि होता है ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन द सॉइल, राइट? और ई होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल, राइट? तो ये वी डब्ल्यू अपॉन वी वी इंटू वी वी अपॉन वी एस इसके बराबर हो जाएगा. अच्छा, वी वी से वी वी कट जाएगा तो वी डब्ल्यू अपॉन वी एस हो जाएगा, ठीक है? अब एक चीज़ समझो, अगर मैं कहूँ, यहाँ पर देखते हैं ना, लेट्स से अगर मैं बात करती हूँ गामा डब्ल्यू की, दैट इज़ द यूनिट वेट ऑफ द वाटर. तो किसी भी का यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल, राइट? दैट हम सिंपली क्या करेंगे, वी डब्ल्यू को रिप्लेस कर देंगे वेट ऑफ द वाटर अपॉन गामा डब्ल्यू से. सिमिलरली वी एस को हम रिप्लेस कर देंगे वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन गामा एस से, ठीक है? तो जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी, है ना, यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पर अपन लिख लेंगे दैट इज द डब्ल्यू वेट ऑफ द वाटर अपॉन डब्ल्यू एस, दैट इज वेट ऑफ द सॉलिड्स इन टू, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, दैट इज गामा एस बाय गामा डब्ल्यू. अब आपको सिंपली दिख, एस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इन टू गामा एस बाय गामा डब्ल्यू. अब हमें पता है डब्ल्यू वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड होता है वाटर कंटेंट, और गामा एस बाय गामा डब्ल्यू होता है जी एस, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी. हेंस द फॉर्मूला दैट इज एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी इज
करेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द गामा बल्क. इस गामा बल्क को निकालते कैसे, विच इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई. ठीक है, बहुत सिंपल है, बेसिक से शुरू करते हैं. लेट्स से ये जो गामा बल्क है ना अपना, बल्क क्या होता है, टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. राइट, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल बी द बल्क सॉइल. अच्छा, टोटल वेट ऑफ द सॉइल क्या क्या हो सकता है, एक तो सॉलिड का हो सकता है और एक पानी का हो सकता है, क्योंकि एयर का तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं. नीचे वॉल्यूम क्या होगा, मैं इसे वी टी, वी टोटल को वी टी रखती हूँ. ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू एस को जो है वो बाहर निकाल देते हैं, तो वेट ऑफ द सॉलिड्स बाहर निकल जाएगा. वन प्लस वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट. ठीक है, तो इसे वन प्लस डब्ल्यू लिखा और यहाँ पर वी टी एज इट इज रख दिया. अब एक फॉर्मूला पहले वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरा, एस सी बाय जी. राइट, इसको भी यहाँ पर यूज़ करेंगे. साथ ही साथ हम एक और फॉर्मूले को भी यूज़ करेंगे, वो क्या हो सकता है, द वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, ये किसके बराबर है हमारा, गामा सॉलिड्स. राइट, और गामा सॉलिड्स, गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू इज जी एस. राइट, तो बेसिकली हम क्या यूज लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये जो मेरा डब्ल्यू वेट ऑफ द सॉलिड्स है, डब्ल्यू एस है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, गामा एस जी गामा डब्ल्यू. ठीक है, अपॉन जी गामा डब्ल्यू वी एस बाय वी टी इंटू वन प्लस एस ई बाय जी. ठीक है, इतना समझ में आया. एक फाइनल इंपॉर्टेंट टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि यस. ठीक है, चलो फाइनल टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि लेट्स से ई होता है हमारा वॉइड रेशियो, जो कि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स. तो वन प्लस ई क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. राइट, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम वी टी बाय वी एस, यानी कि वी एस बाय वी टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस ई. ठीक है, अब चलिए इसे लगा लेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर. तो जो हमने डिराइव किया था, दैट इज गामा बल्क है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, सी जी गामा डब्ल्यू एज इट इज अपॉन वन प्लस ई. राइट, इंटू वन प्लस एस ई अपॉन जी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू को बाहर ही रहने देंगे और जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई. ठीक है, आई नो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर ये आपसे सेमेस्टर में पूछा गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन. ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. राइट, अब देखो ज़रा, अब इसी डेरिवेशन से हम बहुत सारे फॉर्मुलेस और डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे हमने कहा गामा बल्क क्या है मेरा, जी प्लस एस सी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई. यस, बट अगर मैं इसमें बात करूँ गामा ड्राई, यानी कि पानी बिल्कुल नहीं है, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसा हो गया, जीरो. राइट, तो ऐसे में ये फॉर्मूला क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई. ऑलराइट, और अगर मैंने कहा गामा सेट, तो दैट विल बी जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई. कैसे, यहाँ पर तो एस जीरो था, लेकिन यहाँ पर एस क्या है, वन है, इसीलिए ये फॉर्मुलेस डिराइव हुए हैं. साथ ही साथ एक और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना सोल्स ऑफ सॉइल के अंदर अगर हम देखें, तो वो ये है कि हम किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रिलेशन निकालते हैं विथ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ठीक है, इधर देखो ज़रा, अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था दैट हमारा वॉइड रेशियो वी क्या है, वी वी बाय वी एस है ना. तो अगर वन प्लस ई में लिखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वी टोटल अपॉन वी सॉलिड्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इज इक्वल्स टू वी टोटल अपॉन वन प्लस ई. ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल को निकालना चाहिए ताकि इस इम्बैकमेंट को फुल किया जाए. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में फॉर्मुलेज यूज होंगे वो यही फॉर्मूला यूज होगा कि अगर मुझे रिलेशन निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल प्रेजेंट इन द सॉइल. राइट, तो वो कैसे निकलेगा, वेरी वेरी सिंपल. हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल. अगर वेट ऑफ द वाटर के अंदर प्लस वन कर दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, वी टोटल ऑफ द सॉइल अपॉन वी सॉलिड्स. राइट, तो यानी कि हमने रिलेशन क्या निकाल दिया कि वेट ऑफ द सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन वन प्लस डब्ल्यू. इट्स अ टाइम टू सी द इम्पॉर्टेंट पी वाई क्यूज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2024 गेट सेट पेपर नंबर वन में आया था कि एक एम्बैकमेंट है, ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन अपन को करना है ना, कंस्ट्रक्शन करा है, और इसमें जो सॉइल है वो कैसा है, जिसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी कि एस कितना गिवन है मुझे, 75% है ना, और अगर डेसिमल में देखो तो ये क्या है, 0.75. ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है, इसकी जीएस कितनी है, 2.68. राइट, और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, देखो एक वर्ड बताया था मैंने, वाटर कंटेंट हो चाहे मॉइस्चर कंटेंट हो, वो दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि ये डब्ल्यू की ही बात कर रहा है जो कि कितना है, 17%.
डेसिमल में कितना लिख सकती हूँ, 0.17, राइट। और यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी कि गामा डब्ल्यू मुझे गिवन है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के फॉर्म में है। मुझे निकालना है गामा द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल, एक कॉम्पैक्टेड सॉइल की ड्राई यूनिट वेट कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये सवाल, हमें हमसे बस यही पूछा जा रहा है कि ये मुझे एस जी डब्ल्यू है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे गामा ड्राई निकालना है। तो वेरी सिंपल, गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+ E। बट यहाँ पर ई डायरेक्टली नहीं गिवन है यानी कि वॉइड रेशो नहीं गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना है भाई, एक फर्स्ट वाला जो सोल ऑफ द सॉइल का फॉर्मूला था हमारा उसे लगा लीजिए, एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। मुझे एस पता है, मुझे डब्ल्यू पता है, मुझे जी पता है, तो क्या मुझे ई निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। और अगर मेरा ई निकल के आ गया जो तो गामा ड्राई है, दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+ E, ये सारी क्वांटिटीज मुझे पता है और ये पूरा निकल के हमारा आ जाता है इन फॉर्म ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सी स्टूडेंट्स काइंडली नोट दैट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा गामा डब्ल्यू जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, जो तो गामा ड्राई में निकाल रही हूँ वो भी किस में होगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही होगा। ओके ऑलराइट, सो दिस विल बी द है ना, आई होप आप लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो आई हैव गिवन यू द सिंपल हिंट टू सॉल्व दिस, है ना, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज द सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट्स सॉलिड्स इक्वल ऑफ 2.65, है ना, ये एक्चुअली सवाल है 2019 का, है ना। इसमें क्या क्या गिवन है अपन को देखो, जीएस मुझे गिवन है 2.65, ठीक है, मुझे मास डेंसिटी गिवन है, देखो अब यूनिट क्या हो गई है, मास डेंसिटी यानी कि रो डब्ल्यू मुझे गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है भाई। और मुझे जीरो एयर वॉइड गिवन है, याद आ रहा है ईटा ए परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, है ना, तो ये कितना मुझे गिवन है, जीरो, ठीक है, मुझे जीरो गिवन है। और डब्ल्यू कितना गिवन है मुझे, 10% यानी कि 0.1, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, ड्राई डेंसिटी अगेन निकालनी, बट अब इस किस में निकालेंगे हम, केजी पर मीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक है। देखो काफ़ी सिंपल अप्रोच है इसकी, जब भी हमारे पास ना ईटा ए से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है, राइट, एक गामा ड्राई का फॉर्मूला जो है वो ये यूज़ होता है, 1 - ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+ GW, ठीक है। अब मुझे ईटा ए कितना गिवन है, जीरो, क्या मुझे जी की वैल्यू गिवन है, क्या मुझे गामा डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, अच्छा देखो ये तो गामा डब्ल्यू है ना, अगर मैं इसे रो डब्ल्यू के लिए भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो भी हो सकता है ना, दैट इज़ 1 - ईटा ए जी रो डब्ल्यू अपॉन 1+ GW, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, अगर वो रो है तो यहाँ पर भी रो ड्राई आएगा, ठीक है, यूनिट का डिफरेंस होगा, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें W की भी वैल्यू गिवन है ना, तो हम ये पूरा कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं और आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सी हाउ इंपॉर्टेंट दीज फॉर्मुलाज आर, एंड इफ यू नो द कंप्लीट डेरिवेशन कंप्लीट फॉर्मुलाज यू कैन ईजिली यू नो सॉल्व ऑल दीज PYQs, ऑलराइट। चलिए फॉर द नेक्स्ट लास्ट PYQ जो कि 2021 का क्वेश्चन है, देखो क्या गिवन है इसके अंदर, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, कैसी है, पार्शियली सैचुरेटेड है, जिसका W मुझे गिवन है 25%, है ना, तो दैट इज 0.25, राइट। और बल्क है, बल्क यूनिट देखो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गामा, तो गामा बल्क मुझे कितना गिवन है, 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है भाई। अच्छा मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है 2.65, और मुझे गामा डब्ल्यू भी गिवन है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास ऑन फुल सैचुरेशन, अगर मेरा ये फुल्ली सैचुरेटेड होता है तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल का मतलब है गामा बल्क ऑफ सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, तो जब फुली सैचुरेटेड है तो गामा बल क्या हो जाएगा, गामा सेट के बराबर हो जाएगा, और गामा सेट का भी मैंने थोड़ी सी देर पहले फॉर्मूला देखा था जो कि क्या था हमारा, G+E गामा W अपॉन 1+ E। तो बेसिकली अपन से पूछा है कि इसका गामा सेट का वैल्यू निकालिए, अब देखो ज़रा गामा सेट का कैसे निकलेगा, देखो गामा सेट का वापस से फॉर्मूला लिखते हैं, G+E गामा W अपॉन 1+ E, ठीक है। क्या मुझे G गिवन है, यस, ठीक है, मुझे और क्या क्या गिवन है, मुझे गामा W की भी वैल्यू गिवन है ना, ओनली रिमेनिंग अगर मुझे E पता लग जाए तो मुझे बाकी सारी चीज़ें पता लग जाएगी, लेकिन मुझे एक और कॉन्सेप्ट पता है जो कि है सोल ऑफ द सॉइल का पहला फॉर्मूला, SC = WG, और जब मेरा सैचुरेटेड सॉइल है ना, जब मेरी सैचुरेटेड सॉइल है तब जो मेरा S होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, तो E विल बी इक्वल्स टू W × G। क्या मुझे W भी गिवन है, यस, क्या मुझे G गिवन है, यस, तो अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता पड़ गई और मैं आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकती हूँ, राइट। तो आई होप
यू हैव अंडरस्टूड ऑल द PYQs, है ना। इसी टाइप के सवाल आपके गेट एग्जामिनेशन में या अदर स्टेट एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा ये अच्छे से पता है, डेरिवेशन अच्छे से पता है, है ना, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं ये हमने सीख लिया है ना बाई यूजिंग दीज PYQs, तो आई थिंक यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल सच क्वेश्चन। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सिविल दीपाली एंड कीप लर्निंग फ्रॉम सिविल दीपाली।